Hello and welcome to TV Ka Pataka, your one-stop destination for all entertainment news. दोस्तों, नागिन 6 में पलट गई कहानी। नागिन 6 में सामने आ गया असली दुश्मनों का चेहरा। प्रथा के साथ हो गया सबसे बड़ा धोखा। जी हाँ, प्रथा को दगा दे दी उसके अपनों ने। लेकिन अब कहानी में आएगा सबसे बड़ा बदलाव। क्या कुछ होने वाला है और कैसे बदलने वाली है प्रथा की जिंदगी, हम आपको बताएंगे टीवी का पटाखा की इस रिपोर्ट में। बट बिफोर दैट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टीवी का पटाखा। दोस्तों, नागिन 6 में प्रथा ने अपने नागिन रूप को त्याग दिया है। प्रथा हमेशा के लिए अपने पति की होना चाहती है। उसने सभी असुरों का खात्मा कर दिया और उसने सोचा कि अब वो एक साधारण जिंदगी ऋषभ के साथ जिएगी। लेकिन जैसे ही उसने साधारण जिंदगी अपनाई, वैसे ही उसकी बहन महक ने उसके पीठ पर छुरा घोंप दिया। जी हाँ, ऋषभ और महक एक दूसरे से मिले हुए थे। टीवी का पटाखा के जरिए ये बात हम आपको शुरू से बताते हुए आए। सबसे बड़ा धोखा हुआ प्रथा के साथ। प्रथा प्रेग्नेंट थी और प्रथा को गलत इल्जाम में जेल की सलाखों के पीछे भी डाल दिया गया। और ऐसे में जेल में प्रथा अपने बच्चे को जन्म देगी और उसके बाद उसका वही बच्चा उसका सबसे बड़ा हथियार बनेगा। वही बच्चा उसको इंसाफ दिलवाएगा क्योंकि वो होगा सबसे शक्तिशाली। पर हम आपको बता दें कि जैसे ही प्रथा ने अपने नागिन रूप को त्यागा, सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन के रूप को त्यागा, वैसे ही महक ने उसको हासिल करने की कोशिश की है। क्योंकि महक शुरू से सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन बनना चाहती थी, लेकिन वो नहीं बन पाई और उसने हमेशा से ऋषभ से ही प्यार करा था। ऋषभ और महक दोनों मिलकर प्रथा को धोखा दे रहे थे और अब ये धोखा प्रथा की नजरों के सामने आ चुका है। प्रथा को सब कुछ साफ साफ नजर आ चुका है, लेकिन प्रथा क्या करेगी? वो तो अभी भी ऋषभ से प्यार करती है। उसके दिल में तो अभी भी ऋषभ है और ऋषभ और अपने प्यार की निशानी को वो दुनिया में लाएगी। पर वो ये नहीं जानती कि यही बच्चा लिखेगा तबाही, किसी और की नहीं बल्कि प्रथा की ही बहन महक की और ऋषभ की। आप क्या कहेंगे इस पर, हमें कमेंट्स में आप जरूर लिख कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।